भारत में कहाँ है सबसे पुराना रामलीला मंच? दशहरा के शुभ अवसर पर देश में कई जगह रामलीला आयोजित की जाती है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पुराना रामलीला का आयोजन कहाँ हुआ था? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा और उसकी तैयारियां जोर शोर से होती है। देश भर में दशहरा को लेकर अलग अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दुनिया को बुराइयों से मुक्त करा दिया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल देश भर में रावण दहन होता है। लोग रावण का पुतला जला कर अपने अंदर की बुराइयों का अंत करते हैं। दशहरा के शुभ अवसर पर देश में कई जगह रामलीला का मंचन भी बनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पुराना रामलीला का आयोजन कहाँ हुआ था? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत का सबसे पुराना रामलीला अयोध्या या काशी नहीं बल्कि लखनऊ के ऐशबाग रामलीला को माना जाता है। इस जगह की रामलीला को गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रामलीला की शुरुआत खुद तुलसीदास ने की थी। ये भी कहा था कि इसके अलावा चित्रकूट, वाराणसी और लखनऊ की सबसे पहली रामलीला की शुरुआत तुलसीदास ने ही की थी। वाराणसी का रामलीला भी काफी फेमस है। यहाँ बड़े ही धूमधाम से रामलीला मनाई जाती है। ऐशबाग रामलीला की पहचान। कहा जाता है कि ऐशबाग की रामलीला को असली पहचान अवध के नवाब असफउद्दौला से मिली। यहाँ सबसे पहले रामलीला नहीं बल्कि रामकथा का मंचन होता था, जिसमें अयोध्या से आए साधु संत नाटक में भाग लिया करते थे। रामलीला में भगवान राम की पूरे जीवन की लीला दिखाई जाती है। इसमें बालकाल से लेकर रावण युद्ध और अयोध्या वापसी भी शामिल है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग भगवान राम की कथा देखने आते हैं। बड़े बूढ़े और बच्चों को उत्साह देखने को मिलता है।